देश की राजनीति में इन दिनों अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और तिहाड़ जेल में उनकी इंसुलिन की लगातार चर्चा हो रही है और हमारे साथ बात करने के लिए तिहाड़ जेल के डीजी हैं संजय बेनीवाल सर। संजय सर, रिटायरमेंट आपकी हो रही है, पहले तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना लंबा सफर जो है तय किया, इतनी जगह जगह आपकी पोस्टिंग रही, बहुत बड़ी बड़ी आपने भी पोस्टिंग भी देखी, बहुत मुश्किल हालात भी देखे होंगे, लेकिन तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं न्यायिक हिरासत में, अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। उनकी स्वास्थ्य को लेकर लगातार चर्चा भी है, राजनीति भी हो रही है और कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। क्या मैं I've been telling everybody कि मैं I'm not into politics, I work according to my rules, I know my rules and I stick to that. राजनीति में मैं नहीं, उससे राजनीतिक चीजों का मैं जवाबदेही नहीं हूँ। लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर तो फिलहाल अभी तो आपकी जवाबदेही है, कोर्ट को है, कोर्ट जो मुझसे प्रश्न करते मैं जरूर देता हूँ। मेरा कार्य मेरे मैनुअल के अनुसार होता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, परंतु ये जुडिशियल कस्टडी होती है और मैं जुडिशियल कोर्ट को उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए बाध्य हूँ और तत्पर भी और दिए भी हैं, हर बार देते हैं, पर बाकी बाहर कोई क्या समझ के क्या बोलता है। ये एक आम आदमी के मन में हमेशा सवाल रहता है कि एक आम कैदी जो है वो जेल में है और एक VIP लाइक अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के, तो दोनों के ट्रीटमेंट में क्या फर्क है? ये बात सुनिए, हमारे यहाँ सिर्फ दो ही तरह की कैटेगरीज हैं, कन्विक्ट्स या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, तीसरा कोई आगे का पीछे का नहीं होता। एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू माय मैनुअल, एवरीवन इज टू बी ट्रीटेड एट पार इक्वली, भेदभाव नहीं किया जा सकता और ऐसा ना हो इसके लिए हर जेल में एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नियुक्ति भी होता है जो यदा कदा आके ये चीज़ें सही तरह से हैं, उनके स्वास्थ्य के विषय में, उनके खान पान के विषय में, उनकी सफाई, उनको जो चीज़ें मुहैया होनी चाहिए अधिकार हेतु, जैसे एक्सेस टू जुडिशियल एक्सेस टू लीगल रेमेडीज, वो होना चाहिए, वो है नहीं है, उनकी ग्रीवेंस वो सुनते हैं आके, ताकि सिस्टम अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन। जेल मैनुअल क्या कहता है खासतौर पर? अगर वैसे तो आपके लिए सभी कैदी एक बराबर है, चाहे कोई छोटे जुर्म में हो चाहे कोई बड़े जुर्म में हो, लेकिन जेल मैनुअल मुख्यमंत्री के लिए क्या कहता है? मैं बता रहा हूँ बार बार, मेरे को, मेरे लिए सभी 20,000 कैदी एक समान है, उनके रख रखाव, उनके खान पान में कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी जैसे फास्टिंग है, जैसे नवरात्रे हैं या जैनियों का होता है, और वो अलग बात है कभी कभी, परंतु सबको एक जैसा ही खाना होता है जेल में। जेल के अलग अलग जेलों में अलग अलग खाना बनता है, परंतु जेल में सबको एक ही जैसा खाना। लेकिन जेल में ये भी बात जो सामने आई, आपने भी कोर्ट में बताया, यानी कि तिहाड़ प्रशासन ने भी, कि आलू पूरी भी खाया, नवरात्रों में अंडा भी दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया भैया, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उनको खाना घर से आना था। मुझे नहीं पता, वो तो लिस्ट में लिख के दिया हुआ, आई डोंट मतलब मैं उनको याद नहीं रखता उन चीज़ों को, मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं। इंसुलिन को लेकर अरविंद केजरीवाल के लगातार सवाल हो रहा है, आप लोगों ने एम्स के डॉक्टर से भी कंसल्ट कराया, वो पूरा क्या विवाद है? इधर जो है आम आदमी पार्टी, जो माफ कीजिएगा मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरोप की बात कर रहा हूं कि उन्हें स्लो पॉइजन देने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आरोप है, उन्होंने क्यों लगाए, किस बेसिस पे लगाए वो जानते, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे अपना कानून मालूम है, मेरे पास 20,000 कैदियों के लिए विभिन्न स्तर के हॉस्पिटल और उनकी फैसिलिटीज होती हैं। सरकार के द्वारा नियुक्त 90 डॉक्टर्स हैं जो कि सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर मेडिकल, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हैं, हमारे पास नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हर जेल में एक MI रूम होता है जिसमें 8 से 10 बेड्स होते हैं, 120 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके बाद वो है स्तर, फिर तीसरा है कि हमें रेफरल हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ कोई हफ्ते में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में साइकिल होती है उनकी, वो आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके रख रखाव को ठीक रखना। आपने लोगों को
मोतिया भी होता है, हार्ट के वॉल्व का प्रॉब्लम भी है, दांत के बदलने का प्रॉब्लम भी है, इंटेस्टाइन का भी प्रॉब्लम है लोगों को, आप जो समस्या एक छोटे शहर में सोच सकते हैं वो सभी हैं, और उन सभी का निवारण हमारे यहाँ होता है। बखूबी होता है। आपने अभी शुगर के बारे में कहा, तकरीबन 1000 के करीब, 900 से 1000 के बीच में शुगर के पेशेंट इनमेट्स हैं हमारे यहाँ विभिन्न स्तर, उनका भी इलाज है, वहाँ होता है। किसी को इंसुलिन चाहिए तो वो मिलती है डॉक्टर के कहने पे, एक्सपर्ट के कहने पे, जिसको खाने से मैनेज है उसको उससे करते हैं, जिसको ओरल से मैनेज है उसको ओरल से, और ये स्थिति बदलती भी है। आपको स्ट्रेस है तो बढ़ सकता है, आपको आपका लंबे समय तक ठीक है तो दवाई, मतलब डॉक्टर ही बताते हैं ना, कम करना है ज्यादा करना है, किसी के चाहने से तो होता है। सुलेन, उन्हें अरविंद केजरीवाल को जेल में दिया जा रहा है, क्या उन्होंने मांगा या डॉक्टर्स ने कहा? आई डोंट नो, क्योंकि ये तो डॉक्टर की बात है, आप मुझसे नाम पूछेंगे तो मुझे दवाइयों के नाम भी नहीं पता होंगे, आई एम नॉट अ डॉक्टर। नहीं, प्लीज समझिए, मेडिकल थिंग्स आर टू बी डिसाइडेड बाय डॉक्टर्स। जिस दिन जरूरत पड़ेगी जरूर दे देंगे, जिस दिन नहीं पड़ेगी उस दिन, आई मीन आई कांट कमेंट एंड आई शुड नॉट बी कमेंटिंग ऑन दिस। जो भी अरविंद केजरीवाल को दवाइयां हो या इंसुलिन हो या इंजेक्शन हो, कुछ भी हो, वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही जो है सब चीजें दी जाएं, हर किसी के लिए, एवरीबॉडी। पेन किलर्स है उसको भी मिलेंगे, यदि किसी को लूज मोशन है तो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देना उसका भी होता है। सबके लिए सेम कानून होने चाहिए और हैं। यदि मुझे कुछ ऐसी इशू होता तो मैं एम से क्यों कंसल्ट कराता था कि एक होता है मानसिक रूप से भी आदमी को एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो सभी के लिए उपलब्ध है, इनके लिए भी है, व्हाट इज सो स्पेशल। क्योंकि तमाम तरह के डॉक्टर्स आपके पास जेल में उपलब्ध हैं कैदियों की देखभाल के लिए, तो एम्स से ही स्पेशलिस्ट से जो है कंसल्ट कराने की जरूरत ऐसी क्या आन पड़ी 40 मिनट तक? मैंने आपको कहा कि जब हमारे हॉस्पिटल से ज्यादा और गंभीर होती है या किसी को हमें एडवाइस चाहिए होती है तो हमारे रेफरल हॉस्पिटल है, तिहाड़ के लिए DDU है, मंडोली के लिए GTB है, उसके बाद LNJP है, RML है, एम्स, हमारे बहुत सारे पेशेंट तो RML जाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? ये थोड़ी ना, जिस बीमारी का जिस प्रकार से बेस्ट इलाज हो सकता है उसको वो मुहैया कराया जाता है। अब यदि मुझे उनके बारे में कंसल्ट करना था तो करवाया, यदि और किसी से कराना उससे भी करेंगे हमको। आई मीन व्हाई इज दिस एन इशू एंड व्हाई आर यू आस्किंग मी? फॉर मी ऑल पेशेंट एंड देयर हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड वी ट्राई नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर दैट, राइट? थैंक यू। एक चीज और मैं इसमें जानना चाहूंगा कि अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है? चलिए इंसुलिन वगैरह सबकी बात आपने बताई, अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है? जो लगातार आरोप भी लग रहे हैं वो आप देख भी रहे हैं, टीवी पे भी सुन भी रहे हो, अखबारों पे भी, आरोपों पे नहीं, उनके स्वास्थ्य के बारे में आप बताइए, जब वो आए थे तब कैसा था और अब कैसा? मैं माफी चाहूंगा, मैं एक व्यक्ति विशेष के विषय के बारे में, आप मुझसे कहेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या स्वास्थ्य है, मैं बात नहीं करते पब्लिकली, इट इज अनएथिकल, आई डोंट, बाकी कोई करे वो उनकी इच्छा है। एज अ DG इन चार्ज ऑफ द प्रिजन आई डोंट टॉक अबाउट पर्सनल इश्यूज ऑफ इनमेट्स, आई डोंट, एंड आई स्टिल स्टिक टू दैट पॉलिसी। थैंक यू। एक और भी बात हुई, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री मिलने के लिए आए तो ये भी आरोप लगा तिहाड़ प्रशासन पर कि शीशे का पूरा ग्लास था दोनों नेताओं के बीच में, उन्हें आराम से बात नहीं करने दी गई, और अरविंद केजरीवाल जिससे मिलना चाहते हैं उसे तिहाड़ प्रशासन मिलने में बड़ी दिक्कतें करता है। मेरे पास 20,000 कैदी हैं, उनके 4,000 से 5,000 आदमी रोज मिलने आते हैं उनसे विभिन्न, उनके लिए एक प्रणाली सुचारू रूप से यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से एस्टैब्लिश है, और कानूनी ये मना है कि आप आदान प्रदान चीज़ों का न कर पाए, इसलिए शीशे का दीवार लगता, फोन के थ्रू बात करते हैं। ये सब आम कैदियों के लिए, उनके सभी आम परिवार के जन उनसे इसी प्रकार से मिलते हैं, उनको तो किसी को समस्या नहीं,
बाकी जो आरोप लगाते हैं उनसे पूछिए। सर एक आखिरी सवाल मेरा, वैसे इसके बाद मेरा कोई सवाल नहीं, एक हाँ बिल्कुल, इसमें मैं ये एक और बात ये जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर लगातार बात हो रही है, तिहाड़ प्रशासन पे भी आरोप लग रहे हैं, तिहाड़ प्रशासन जो है लगातार कोर्ट को भी अपडेट कर रहा है जिसमें खाने की बात हो रही है, तो अभी तक जितने दिन से भी जो है तिहाड़ में बंद है अरविंद केजरीवाल, वो तब से जो है सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं या फिर डॉक्टर की जो सलाह है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ आपकी नजर में आया हो कि वो आगे क्या दिए? देखिए व्हेन ही केम तब से कोर्ट का ऑर्डर है और वो अभी भी बरकरार है, तो खाना तो उनका घर से आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है, दैट्स इट। और डॉक्टर की सलाह को मान रहे हैं या फिर अवॉइड करते हैं वो, ये आप डॉक्टर से पूछिएगा। तो ये संजीव बेनीवाल हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनके लिए तमाम कैदी जो हैं बराबर हैं और जो भी उनको दवाइयां दी जा रही हैं वो डॉक्टर की सलाह पर दी जा रही है, एम्स से भी कंसल्ट कराया गया और खाना अभी भी उनका घर से आ रहा है। कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली।